शनिवार को खापा के मावली माता मंदिर के पास हुई दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रेत भरा ट्रक क्रमांक MH 31 FC 4850 रेत भरकर तेज रफ्तार से खापा की ओर आ रहा था। इसी दौरान नगर परिषद खापा द्वारा संचालित पतकर नाके के पास करके पर्ची कटवा रहे सब्जी भरे पिकअप वाहन क्रमांक MH 40 BG 2548 को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पिकअप वाहन पलट गया। घटना में सीताराम बोंडे, आकाश मेश्राम, जगदेश रंदई, ट्रक चालक राजू यादव व वाहक गणेश मेश्राम घायल हो गए। पिकअप को टक्कर मारने के बाद खापा से पार्श्वनी की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक MP 28 H 0833 को भी ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में चालक राजू यादव निवासी पोटाड़ी सजय एक घटे तक वाहन में फंसा रहा। खापा के थानेदार हर्षल एकरे व स्टाफ ने नागरिकों की सहायता से उसे निकाला। घायलों को खापा आरोग्य केंद्र में प्रथमोपचार के बाद नागपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद करीब 2 घंटे तक मार्ग का यातायात बाधित रहा, जिससे जबलपुर व अन्य स्थानों पर जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।